ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल। हमारे पास सल्फरेट एसिड मॉलिक्यूल है, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करना है। तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम आता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर। कैसे? इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। सल्फर के पास टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। कैसे बनाएंगे आप? सबसे पहले 4 सल्फर ऐसे लिख लेंगे, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, 4 सल्फर हमने लिख दिया। अब फिर इसके बीच में एक एक सल्फर को आपको ड्रा करना है। देन अगेन सल्फर, सल्फर, सल्फर एंड सल्फर। ठीक है, टोटल हमारे 8 सल्फर के एटम्स यहाँ पे हो गए हैं। अब क्या करेंगे आप, इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे? देखिए, सल्फर के पास दो दो लोन पेयर रहेगा एंड 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा शेयरिंग में। ठीक है, ये क्या हो गया इसका लोन पेयर। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। अभी भी 2 बचे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो एक यहाँ एक यहाँ। फिर इस सल्फर की बात करें तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया, एक इधर हो गया एंड 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लोन पेयर हो गया। सेम कंडीशन सभी सल्फर के लिए होगा। तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन इसके लोन पेयर्स, फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आएगा लोन पेयर्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स अगेन लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन यहाँ पे भी हमारा क्या आएगा लोन पेयर्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर्स एंड यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, अब देखते हैं सबका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन हुआ या नहीं हुआ। तो बात करें अगर हम इस सल्फर की देखें तो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसको देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसका कैसे बनेगा, ऐसे। फिर ये हमारा हो जाएगा ऐसे, फिर इसको हम बनाएंगे ऐसे, ये हमारा हुआ यहाँ पे, देन ये हो गया ऐसे एंड यहाँ पे हमारा बन गया ऐसे। ये कैसा स्ट्रक्चर बना है? रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना है। सभी सल्फर के पास 8-8 इलेक्ट्रॉन है। किसी की भी बात करें इसका देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सबके पास 8-8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और इसको हम बोलते हैं लोइस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल। कैसा होता है ये? रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर।